नमस्कार साहब, जोगिंदर पाल चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप करें लाइक और शेयर। तो हमारा सवाल है, फीता वह जरीब से खेत की पैमाइश कैसे करें? यह जरीब है, इस प्रकार से जरीब होती है। यहाँ पर ये होता है ये इस प्रकार से, एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी, चार कड़ी, पांच कड़ी, तो ये हो जाएगा 1 मीटर, यानी 20 सेंटीमीटर की होती है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी 20 सेंटीमीटर प्रत्येक। तो इसमें होते हैं 20 मीटर, 20 मीटर की होती है जरीब। ये माना आपका एक खेत है, ये आपका खेत है, ये इधर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये माना, ये मानो कि आपने यहाँ तक 5 जरीब और 5 जरीब, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब और 10 मीटर। ये तो 5 जरीब 10 मीटर इधर का हो गया आपका, 5 जरीब 10 मीटर, 1 जरीब से आगे 10 मीटर आपका बचेगा। तो इधर उधर इधर हो गया आपकी 2 जरीब 5 मीटर, इधर भी आपकी हो गई 2 जरीब 5 मीटर। तो आपका ये हो गया, दोनों भुजाएं सेम है, 5 जरीब 10 मीटर, 1 जरीब बराबर 20 मीटर, 5 जरीब बराबर 20 × 5 बराबर 100 मीटर। अब ये तो इसकी लंबाई 100 + 10 जो फालतू था 10 मीटर बराबर 110 मीटर लंबाई। और अब 2 जरीब 5 मीटर, तो वही 1 जरीब बराबर 20 मीटर, 2 जरीब बराबर 20 × 2 बराबर 40 मीटर। तो 40 मीटर + 5 मीटर जो अधिक था बराबर 45 मीटर। तो यहाँ देखते हैं, लंबाई बराबर 110 मीटर और चौड़ाई बराबर 45 मीटर। तो खेत का क्षेत्रफल
सौ दस गुणा 45, 500, 11 पंजे 55, 400, 11 चौक 44, 05, 5, 4, 4, 6, 6। तो ये हो गया आपका 44,550 मीटर। एक बार फिर देख लेते हैं। एक सौ दस गुणा 45, 4400, सॉरी 110 गुणा 45 होगा 4450, 4550 सॉरी, ये नहीं आएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, और 440, 05, हाँ बराबर 4540 मीटर स्क्वायर। अब एक बीघा बराबर 683 मीटर स्क्वायर, तो 4540 मीटर स्क्वायर बराबर 4540 बटे 683 बराबर ये हो जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा आपका 6.66 बीघा। तो यहाँ देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, तो 6.66 बीघा या 6 बीघे 13 बीसवे। तो इस प्रकार आप जमीन या जरीब या फीते से खेत की पैमाइश कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।